हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मेरा नाम है सोनू, मेरे चैनल सोनू मोटर्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आयशर के ट्रक प्रो 3015 के हब की ग्रीसिंग करके दिखाने वाले हैं। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर सेलेक्ट करें। हब को खोलने के लिए सबसे पहले इन 12 नंबर वाले बोल्टों को एक एक करके खोल के इस हब के कप को बाहर निकाल लेंगे। कप निकल जाने के बाद चेक नट को खोलने से पहले इस स्पैंडल पिन को बाहर निकालेंगे। पिन निकल जाने के बाद अब इस चिकनट को खोलेंगे। दोस्तों, गोटी ना होने के कारण इस चिकनट को खोलने के लिए हम पाइप रिंच का प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों, ये आयशर प्रो 3015 की हब ग्रीस करने के लिए हम कंप्लीट ड्रम के साथ इस हब को बाहर निकालेंगे। वैसे इसमें ड्रम अलग है और ये हब अलग है। इस वीडियो में बिना ड्रम को निकाले ही हब में ग्रीस करेंगे। चेकनट खुल चुका है, अब कंप्लीट हब और ड्रम के साथ इसको बाहर निकाल लेंगे। हब और ड्रम कंप्लीट बाहर निकल चुका है, अब इस हब की सील को निकाल के सामानों की अच्छे से धुलाई करके फिर फिटिंग करते हैं। सारे सामानों की अच्छे से धुलाई हो गई है। हब में ग्रीस करते टाइम हबों के इस बैरिंग के कप को चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ढीला हो जाए तो टायर खाने और दबाने की शिकायत शुरू हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि हब ग्रीस करते टाइम ये हमारा कप टाइट हो। दोस्तों, इसके आउटर और इनर बैरिंग का नंबर इस वीडियो में दे दिया है।
हब में ग्रीस भर चुकी है, ऑयल सील ठुक चुका है। अब इस कंप्लीट हब को स्पिंडल के अंदर फिट करेंगे। कंप्लीट हब को फिट करने के बाद इस छोटे वाले बैरिंग को ठोक कर चेक नट को अच्छे से कस के इस व्हील को कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।